मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ दक्षिण भारत के तीर्थाटन के क्रम में मंगलवार शाम को मदुरई पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार मंगलवार को तमिलनाडु और महाराष्ट्र दौरे पर रवाना हुए। उन्होंने पहले तिरुचिरापल्ली पहुंचकर श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद देर शाम वे मदुरई पहुंचे और मीनाक्षी मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री चौहान रात्रि विश्राम मदुरई में ही करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि दक्षिण भारत के तीर्थाटन क्रम में सायंकाल मदुरई स्थित विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में माता के दिव्य दर्शन कर अभिभूत हो गया हूँ। मैया की कृपा से जगत का कल्याण हो, हर घर धन धान्य और आनंद से समृद्ध हो, यही प्रार्थना करता हूँ। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। ये मंदिर भगवान सुंदरेश्वर की भारिया जिनकी आंखें मछली की आंखों जैसी को सुंदर है को समर्पित है। ओम नमः संभवाय च मयो भाई च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरा सौभाग्य है आज मीनाक्षी मंदिर आकर भगवान शिव के भी दर्शन किए और मीनाक्षी मैया के दर्शन भी किए और पार्वती जी के भी दर्शन किए और यही प्रार्थना की कि हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में भी सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो, कोरोना जैसी महामारी फिर से ना आए और प्रगति और विकास लगातार होते हुए प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, यही प्रार्थना उनके चरणों में की, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सपत्रिक तिरुचिरापल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीरंगम मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेशवासियों के सुख एवं समृद्धि के लिए कामना की। मुख्यमंत्री चौहान को मंदिर के पदाधिकारियों ने श्रीरंगम का चित्र भेंट किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विविध स्थापत्य कला का अलौकिक प्रमाण श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम कहे जाने वाले क्षेत्रों में प्रथम माना जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि आज श्री रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन एवं उनकी पूजा अर्चना का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि श्रीरंगम भारत में सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। रंगनाथ स्वामी के मूल मंदिर की स्थापना महान चोल राजाओं ने की थी, जिसे आक्रमणकारियों ने खंडित कर दिया था। कालांतर में जीर्णोद्वार कर मंदिर में मूर्तियों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी और मंदिर को ये भव्य दिव्य स्वरूप दिया गया। कि यहां आकर आचार्य भगवान रामानुज आचार्य जी के दर्शन किए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुदर्शन भगवान के भी यहाँ दर्शन किए और यही प्रार्थना की कि हमारा देश, हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश भी प्रगति और विकास करे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यही प्रार्थना। बहरहाल इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। इस दौरान उन्होंने श्रीरंगम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रदेशवासियों के सुख एवं समृद्धि के लिए कामना की।